समीक्षा हमारे साहब हम बेभूमि हैं, हमारे पास नहीं है कुछ। हम झाला के पास, बुल्ली तलाइया के पास हम झारे हैं तो रहते हैं। और एक बेर हम रहे वहाँ दूसरे गांव में भुधा हार में, तो हम ही झारे काटे, खेती करे, किसानी करें, और अंतम में मार मुर भगा दें। और हम ही भगा के कुछ दिन बाद गौर ठाकुर का ही पट्टा देव जाता, और हम ही भगा दें। वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2007 के अंतर्गत उसमें कहा गया है कि 13 दिसंबर 2005 से जो वन भूमि में जो किसान काबिज काश्तकारी कर रहे हैं उन्हें अधिकार पत्र दिया जाएगा। वहीं उमरिया जिले के ग्राम तेंदुआ के 25 किसानों ने 3 पीढ़ियों से वहां पे वन भूमि में काश्तकारी कर रहे हैं। पेशा कानून में कहा गया है कि आदिवासी समाज के लोग कई पीढ़ी से वन भूमि पर रह रहे हैं, इसी से उनकी आजीविका और संस्कृति से जुड़ी हुई है। दूसरे जगह आए यहाँ झाला के पास, भुलनी तलाइया के पास हैं, तो यहाँ ही झारे काटे, आग लगा दए, 3 बार हो गए। हमार सामान पूरे जब्ती धल्लाए, सीधा पिसान, टाठी, लोटी, धोती, साड़ी, पैसा, दाम पूरा लूट के धल्लाए पतरे के चौकी में साहेब। अब बताओ हम बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? पहले क्या था, जब पंचायती राज जब बनी थी तब यहाँ 6 गांव के एक ही पंचायत में 6 गांव था। अधिक जनसंख्या होने के कारण उनको अलग अलग पंचायत किया गया जिसमें अलग अलग गांव हो गए। तेंदुआ के गांव के लोग जहाँ पर पूरा झाला गांव में काश्तकारी करते थे, महुआ बीनते थे, लकड़ी पत्ता सब वहाँ पे लाते थे, एक ही जंगल था झाला में। वहीं के किसानों जितना तेंदुआ के लोग थे वहीं पर गुजारा बसर करते थे, लेकिन जब पंचायत अलग अलग हो गया तो अपना वहाँ काश्तकारी उन्होंने बंद हो गया। और आज भी हमारा है, आज भी बैठे हैं जगह में, और हम भागने वाले हटा वाले हम नहीं हैं। चाहे सरकार हम गोली चला दे, कुछ भी कर दे, हम धरती में हम यहाँ ही दिन गुजारेंगे और रहेंगे। उन्होंने पहले नहीं जानते थे कि आवेदन अर्जी कहाँ देनी, कैसे कर रहे हैं, लेकिन जब से उन लोगों ने पता पाए हैं कि वन अधिकार अधिनियम का एक कानून आया है, जब से उन्होंने 2008 से आवेदन करना चालू कर दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में दावा फार्म भी जमा किए हैं, लेकिन उसका आवेदन का तहसीलदार, पटवारी और रेंजर ने अपात्र बताते हुए उन्हें अधिकार पत्र नहीं दिया जा रहा है। बहुत तकलीफ से, बहुत भूखे लांगे बैठे बाल बच्चे लाए, अब आते तो हमको हटो हटो, हम कहाँ जाब। हमारे जैसे घर मकान टोरे हैं, आगे लगा है, वैसे हम बना के हम दे। व्यवहारिक तौर पर इन्हें जमीन पर अवैध काबिजधारी के तौर पर देखा जा रहा है और इन्हें जबरन बेदखली किया जा रहा है। यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि हमारे उमरिया जिले के कलेक्टर साहब हैं माल सिंह जी, जिनका ऑफिस का नंबर है 076-53-22-26-00। यह नंबर पर कॉल करके हमारा सहयोग करें जिससे तेंदुआ गांव के 25 किसानों का अधिकार पत्र वन भूमि का मिल सके। मैं रामलाल बैगा, ग्राम तेंदुआ, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ट के लिए।